वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़े जितने भी परीक्षा हैं और यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा सीटेट और यूपी टेट ट्रिपल्स यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होते सब में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने टॉप 20 मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सम्मिलित किया हूं। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इनमें से किसका जो है भारत जो है भारत के उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, फूलों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में फूलों का उत्पादन जो है जिस कम है और आलू गेहूं गन्ना का उत्पादन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में फूलों का उत्पादन कम होता है। सेकंड नंबर है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहां पर स्थापित है आप देख लीजिए और फिर आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका सी नंबर, नरौरा में स्थापित है। थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, कौन सी नक्षत्रशाला सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की, इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर नक्षत्रशाला जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। प्रश्न नंबर चार है दोस्तों कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहां पर मनाई जाती है, कौन से जगह पर मनाई जाती है, इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, वृंदावन में जो है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। प्रश्न नंबर पांच है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल है, आप सब लोग इसको लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कि रामपुर नक्षत्रशाला स्थित है, कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो बी नंबर है, कि रामपुर नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर आपका सिक्स है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान प्रदेश में कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर सात है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी, किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों ग्राफिक विद्या की शुरुआत उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ललित मोहन सेन जी ने जो है शुरुआत की थी ग्राफिक विद्या का उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर आठ है कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला में प्राचीनतम नमूने मिलते हैं, किस काल के मिलते हैं दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में जो है मिलते हैं। प्रश्न नंबर नौ है कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्रगण नहीं है। ऑप्शन देखिए, ये है छेलिया नृत्य, बी है नटवरी नृत्य, सी है चरकुला नृत्य और डी है जोगनी नृत्य। तो ब्रज क्षेत्र का है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो चरकुला नृत्य ही जो है दोस्तों ब्रज क्षेत्र का है। प्रश्न नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो आप लोगों को अभी पीछे एक आंसर मैं बताया था कहां पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेता हूं, ए है ओबरा, बी है पनकी, सी है नरौरा, डी है हरदुआल गंज। तो नरौरा में दोस्तों एक नाभिकीय ऊर्जा स्थित है उत्तर प्रदेश के। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों कि ट्रांसफर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। ऑप्शन ए है झांसी, बी है कानपुर, सी है आगरा, डी है लखनऊ। कहां पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, झांसी में जो है ट्रांसफार्मर बनाने की केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर देखिए, तो दोस्तों कानपुर में स्थित है भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है ईसाई, सी है जैन, डी है सिख। तो तीसरा प्रमुख स्थान है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सिख का।
प्रश्न नंबर 14 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा जिला है? ऑप्शन ए है भराइच, बी है खीरी, सी है बलरामपुर, डी है बांदा। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, दोस्तों बी राइट बिल्कुल आंसर होगा, खीरी में है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहां से है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए 5 सेकंड आप लोगों को टाइम देता हूं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जयपुर घराने से। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका सी, कानपुर नगर जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जो है कहां का नहीं है, जैसे आल्हा आल्हा महोबा में गाया जाता है, रसिया बरसाना, सी कजरी मिर्जापुर, डी है बिरहा कन्नौज, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग देखिए फिर बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, जो बिरहा है वो कन्नौज में का नहीं है, बल्कि बिरहा जहां अवधी भाषा है या भोजपुरी भाषा है, जैसे आपका गोरखपुर देवरिया और बिहार के कुछ क्षेत्र में जो है बिरहा का जो है वो किया जाता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ जगह भी बिरहा का किया जाता है, बिरहा गाया जाता है, बिरहा लोग पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का प्रारंभ किस शहर से हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल राइट होगा आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों कि बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, कौन सी जगह किया जा रहा है, ऑप्शन ए है हरदुआलगंज में, ऑप्शन बी है परीक्षा में, ऑप्शन सी है प्रतापपुर में, ऑप्शन डी है रोजा में, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि रोजा में जो है 600 मेगावाट बिड़ला समूह द्वारा जो है निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का, ऑप्शन ए है बुंदेलखंड का, बी है ब्रजभूमि का, सी है अवध का, डी है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ब्रजभूमि का जो है चरकुला प्रमुख नृत्य है। तो ये रहे दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग वीडियो एक से दो बार पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।